देखिए हेलो दोस्तों, एमएम कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। ये जो गली में हम अभी जा रहे हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन इधर चल रहा है देख सकते हैं आप लोग, तो गवर्नमेंट का रूल हिसाब से 3 फीट छोड़ना चाहिए, तो 3 फीट इधर छोड़ा गया है। इधर से हम जा रहे हैं, आप लोगों का जिस सेप्टिक टैंक के बारे में बताएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा सेप्टिक टैंक आपका जन्म भर चल जाए, कि 20 साल 25 साल तक नहीं भरे, तो ऐसे डिज़ाइन का सेप्टिक टैंक लोग आप लोगों को बनाना चाहिए। जो सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन किया गया है, टोटल इसका जो लेंथ रखा गया है 18 फीट है। इधर से इसका लेंथ 18 फीट रखा गया है, ठीक है। इसको जो गहराई है आप लोग देख सकते हैं, ये 8 फीट रखा गया है, 8 फीट इसका गहराई है। इसको हम लोग 4 चैम्बर सेप्टिक टैंक बनाए हैं, ठीक है। ये जो घर है, घर का पीछे में ही ठीक इधर से 2.5 फीट छोड़ दीजिएगा। कभी भी वो गलती मत कीजिएगा कि बहुत सारा इंजीनियर बताएगा कि घर का जो बाथरूम यहाँ पे है, बाथरूम का अंदर में ही सेप्टिक टैंक बना दीजिए। आपका अगर जगह रहता है तो आप हर टाइम बाहर में ही बनाइए, क्योंकि हम बता देते हैं जो बाथरूम में आप सेप्टिक टैंक बनाएंगे तो टैंक में जो पिलर बाथरूम के अंदर पड़ेगा, तो सेप्टिक टैंक के तो अंदर में हर टाइम रहता है गीला, अंदर में स्लैज रहता है, तो उससे क्या होता है, घर में जो पिलर है पिलर का सोख घर का बाहर चल जाएगा। घर का बाहर जाने से क्या होता है, घर में डैम्प आ जाता है। इसमें देख सकते हैं ये जो है, ये फर्स्ट चैम्बर है, आप लोग दिखाते हैं फर्स्ट चैम्बर है। जो फर्स्ट चैम्बर 4 फीट का रखा गया है। फर्स्ट चैम्बर में क्या होगा, उधर जो बाथरूम है, बाथरूम से स्लैज पानी आएगा, इधर यहाँ पे इनलेट दिया गया है, यहाँ से घुसेगा, घुस के जो स्लैज मटेरियल रहेगा, सॉलिड जो मटेरियल है यहाँ रह जाएगा, इधर से डिवाइड हो जाएगा। अंदर में देखिए छोड़ा गया जगह, ऊपर में भी छोड़ा गया, कभी अगर भर जाता है तो अंदर से भी नहीं जा पाता है, इधर से नहीं जा पाता है तो ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। स्लैज जो मटेरियल है ये दोनों जगह में डिवाइड हो जाएगा, देखिए उधर से इधर से डिवाइड हो गया। अब डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद आस्ते आस्ते जब भरने लगेगा, उधर से स्लैज आते आते भरने लगेगा। अब जब पूरा भरने लगेगा तो देखिए उधर से उसको डाउन रखा गया है, यहाँ पे 2 ईटा डाउन है इधर, अब इधर से 2 ईटा डाउन इधर रखा गया है, तब क्या होगा, वो भरते भरते इधर से क्या होगा, जो पानी है खाली पानी इधर देखिए, इसको देखिए थोड़ा सा इधर ढल किया गया है कि पानी जो है पानी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब पानी 3 नंबर में आ जाएगा, यहाँ पे जो स्लैज मटेरियल है वो उधर रह गया, ठीक है। जो पानी है खाली, जो पानी यहाँ आ गया, अब पानी यहाँ आने के बाद इधर से क्या होगा, इधर से देखिए इस जगह में एक तो छेद किया जाएगा, इसी लेवल पे ये छेद रखा जाएगा, इधर से क्या होगा, ये पानी इधर आ जाएगा। देखिए ये सोक पिट है, ठीक है, ये सोक पिट देखिए बीच में गैप रख रख के बनाया गया है। अब सोक पिट में क्या होता है, इसमें प्लास्टर नहीं होगा, उधर खाली प्लास्टर हो जाएगा क्योंकि घर है उधर, इधर क्या होगा, ये दोनों साइड ओपन रहेगा, नीचे भी ओपन रहेगा। अब सोक पिट में क्या होता है, पानी सोख लेगा, ठीक है, अंदर में, तो बरसात में क्या होगा, आपको पानी ओवरलोड नहीं होगा। और इसमें देखिए और इस सोक पिट में और एक फायदा होता है, जो नहाने का पानी नहीं रहता है, डायरेक्ट एक तो पाइप रहेगा उधर से, डायरेक्ट पाइप से सोक पिट में आ जाएगा। इससे क्या होगा, जो इतना बड़ा सा बना लेते हैं मिस्त्री लोग, ठगादार लोग बोलेगा आपको कम छोटा बनाने के लिए, मगर छोटा मत बनाइएगा। छोटा में क्या होगा, बराबर देखिए वो लोग बताएगा कि खर्चा ज़्यादा आएगा, इसमें देखिए खर्चा तो थोड़ा ज़्यादा है, मगर जो बात एक ही पड़ जाएगा, अगर 10 साल में आपको सफा कराना पड़ा है तो अभी जो मशीन आता है मशीन में 5000-4000 रुपये ले लेता है, बात एक ही पड़ रहा है। उसी टाइम अगर आप 4-5 हज़ार रुपया लगा देते हैं तो इसको मोटा मोटी 20-30 साल तक चल जाएगा। अब 20-30 साल चल गया मतलब आपका जन्म चल गया, एक जन्म तब तो हो गया ख़त्म, ठीक है। देखिए आपको कोना का कोना से दिखाते हैं, 18 फीट इधर है, अंदर गहरा है 8 फीट है। ये 1 नंबर चैम्बर हो गया, ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में सेप्टिक टैंक, ठीक है। अब इसको ढक दिया जाएगा, आपको जैसे है ढलाई हो जाएगा, उसके बाद आपका पूरा जगह यूज होगा, ये तो माटी तो इसका भरट होगा ही, भरपाई हो जाएगा। अब इधर से जो है आउटलेट इधर भी एक रखा गया है, इनलेट जो है आउटलेट बरसात के लिए, देखिए इधर भी एक आउटलेट दिया गया है। ये आउटलेट का होगा, ये पानी एकदम उधर चल जाएगा, उधर से ड्रेन में। ये भी हो सकता है कि आप चाहते हैं कि खाली इसको हम सोक पिट यूज़ करें, इसका पानी जब ओवरलोड होगा तो बाहर चल जाएगा, तो वो भी बात है। ये आप खाली सोक पिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, किचन का पानी आ जाएगा इधर, बाथरूम का पानी आ जाएगा, नहाने का पानी इधर, वो भी बात हो जाएगा, ठीक है। ये बनाने से आप लोगों को बहुत फ़ायदा ही होगा। 4 चैम्बर वाला सेप्टिक टैंक मेरा वीडियो और एक तो दिया हुआ आगे के, उसमें थोड़ा ट्राइंगल शेप था उसमें, ये पूरा चौका शेप है, और उसमें थोड़ा 16 फीट था, ये बड़ा है, और ठीक है देख सकते हैं आप लोग। बस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।
मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब, सॉरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।